आज की सबसे बड़ी अपडेट में सेबी ने रुचि सोया के अगेंस्ट में एक पावरफुल एक्शन लिया है। एसबीआई कैपिटल, एक्सिस कैपिटल, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के साथ में सेबी ने मीटिंग की रिगार्डिंग एक स्पैम मैसेज जो कुछ दिनों से ऑल ओवर इंडिया सर्कुलेट हो रहा था। मैसेज में कहा गया था, ग्रेट न्यूज फॉर ऑल बिलवेड मेंबर्स ऑफ पतंजलि परिवार, अ गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन पतंजलि ग्रुप। पतंजलि ग्रुप कंपनी रुचि सोया हैज ओपेंड द एफपीओ फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। द इशू क्लोजेज ऑन 29th March 2022। दिस इज अवेलेबल इन प्राइस बैंड ऑफ 615 to 650 रुपीज पर शेयर, दैट इज डिस्काउंट ऑफ ऑलमोस्ट 30% टू मार्केट प्राइस। You can apply through your bank, brokers, ASBA, UPI in your DMAT account. ये मैसेज एक फ्रॉड मैसेज था जो सिर्फ इन्वेस्टर्स को अपने झांसे में फंसा रहा था, क्योंकि 28 मार्च को FPO अप्लाई करने की लास्ट डेट थी। बट मिसलीडिंग मैसेज की वजह से सेबी ने अब एक न्यू ऑर्डर दिया है कि ऐसे मिसलीडिंग कंटेंट फ्रॉड है और सेबी के रेगुलेशंस के अंडर में नहीं आते। तो अब रुचि सोया को न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट करके बताना होगा कि ऐसे मैसेजेस फ्रॉड है और इन्वेस्टर्स को ऐसे मैसेजेस से बचकर रहना चाहिए। सेबी ने कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक्स जो रुचि सोया के एफपीओ के लिए मीडिएटर थे उनको कहा है कि सारे बिडर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स एक्सेप्ट एंकर इन्वेस्टर्स को मैसेज करके बताए कि अगर इन्वेस्टर्स चाहे तो रुचि सोया के लिए अप्लाई किए हुए अपने अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं 28th मार्च, 29th मार्च और 30th मार्च की डेट तक। आपको बता दें, करेंटली रुचि सोया का सिर्फ 1% फ्लोटिंग स्टॉक ही मार्केट में है और प्राइस 800 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। जब एफपीओ आएगा तो स्टॉक के प्राइस में बहुत ही बड़ी करेक्शन देखने को मिल सकती है, क्योंकि मार्केट में रुचि सोया के न्यू फ्लोटिंग शेयर्स इश्यू होंगे। सो इन्वेस्टर्स, बच के रहना और सोच समझ के ही किसी गुड फंडामेंटल्स की कंपनी में इन्वेस्ट करना, सिर्फ न्यूज के बेसिस पे नहीं। इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, क्या आपने 90 डेज की 5th अप्रैल से स्टार्ट होने वाली टेक्निकल एनालिसिस की कोर्स के लिए सीट बुक किया? अगर नहीं तो कॉल करें 9926773666। थैंक यू फॉर वॉचिंग।